अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक फिटनेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे स्टेप्स जिससे आप अपनी स्किपिंग रोप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, इस तरह से स्किपिंग करने के लिए, बेसिक स्किपिंग के लिए आपको पांच स्टेप में से गुजरना है, जो कि पहला स्टेप है आपकी रोप साइज में होनी चाहिए। जिसके लिए स्टेप वन, आप इस तरीके से दोनों हैंडल से अपनी स्किपिंग रोप या अपनी जंप रोप को ऐसे पकड़ेंगे, सेंटर में इसके मिडल में अपना पाँव रखेंगे और इस तरह से अपनी रोप को अपने चेस्ट के करीब लाएंगे। अगर आपकी रोप का हैंडल का टॉप आपके यहाँ तक, मिडल चेस्ट तक आ रहा है इस तरह करने से, तो आपकी रोप साइज में। अगर आपकी रोप का लो हैंडल का लोअर टॉप आपके चेस्ट के मिडल पे आ रहा है, तो भी आपकी रोप साइज में। दोनों सूरतों में आपकी रोप साइज में रह सकती है। मैंने अपनी रोप को इस तरह से साइज में किया हुआ है अपने हिसाब से, तो आपने अपने हिसाब से साइज में करना है। स्टेप टू के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जंप की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्किपिंग के अंदर हमारा सारा काम जंप पर ही है। तो आप इस तरह अपने पंजों के ऊपर आएंगे, हील्स को ऊपर कर लेंगे और इस तरह अपने पंजों के ऊपर जंप करने की प्रैक्टिस करेंगे। इस जंपिंग के अंदर आपने अपनी हील को इस तरह से पूरा जमीन के ऊपर फ्लैट पाँव नहीं रखना। स्टेप थ्री के अंदर आप सिर्फ अपने फोर आर्म और अपने एल्बोज की पोजिशन को सीखेंगे कि आपने किस तरह से रखना है। अपने दोनों एल्बोज को आप बॉडी के क्लोज रखेंगे और अपने जो आपके फोर आर्म्स हैं इन्हें इस तरह से आउट रखेंगे। बहुत ज़्यादा आप इस तरह आउट भी नहीं रखेंगे और अपने एल्बोज को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रखेंगे। बॉडी के आपने क्लोज रखना है, फोर आर्म को थोड़ा सा आपने आउट रखना है इन डायरेक्शन के अंदर। स्टेप फोर है। स्टेप फोर के अंदर अब हम स्किपिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। वन सिंगल जंप सिर्फ परफॉर्म करना है। इसके अंदर आपने इस तरह से नहीं करना और सेकंड आपने बहुत ज़्यादा हाई जंप भी नहीं करना, तो टो के ऊपर जंप करना है और इस तरीके से वन सिंगल जंप परफॉर्म करके स्किपिंग को करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसी तरीके से अपनी स्किपिंग को एक से दो, दो से चार करके इम्प्रूव करेंगे। अब हमने एक स्टेप किया, अब हम दो स्किपिंग परफॉर्म करेंगे। अपने बॉडी के एल्बो क्लोज, हाथ यहाँ से थोड़े से आउट और वन टू वन वन टू। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किपिंग को परफॉर्म करेंगे। साइड पोजीशन से आपको स्किपिंग करके दिखाता हूं। वन टू वन टू वन टू। जब आप इस तरह से अपनी स्किपिंग करने लग जाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद आपका फाइनल स्टेप है स्टेप फाइव। स्टेप फाइव है आपकी ब्रेस्ट मूवमेंट, अपने अपनी कलाई को घुमाना है। अच्छी स्किपिंग के लिए अगर आपकी कलाई स्विंग नहीं करेगी सही से, तो आपकी स्किपिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अब मैं अपनी कलाई बिना घुमाए स्किपिंग करूंगा और आपने देखना है किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब मैं अपनी कलाई भी घुमाऊंगा और स्किपिंग करूंगा, तो अब आपने स्किपिंग को देखना है। पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आपने इस कलाई के घूमने पर ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने रोप के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना, अपनी कलाई से इस रोप को स्विंग करने की कोशिश करनी है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किपिंग अच्छी करनी है। अब आपको मैं साइड पोज से स्किपिंग करके दिखाऊंगा। इस तरह आपने अपनी कलाई को मूव करना है और अपने टो के ऊपर स्किपिंग करनी है। गाइस, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दिन में 5 से 10 मिनट, तो आप एक हफ्ते के अंदर अपनी स्किपिंग अच्छी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए। उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।